आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने WhatsApp को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने WhatsApp को सिक्योर कर सकते हैं। सिक्योरिटी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एप्लीकेशन, ठीक है। सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो हमें किस तरह से अपने WhatsApp को सिक्योर करना है आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने जाना है अपने WhatsApp में। यहाँ पर WhatsApp है, तो WhatsApp पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर आपको 3 डॉट्स दिख रहे होंगे यहाँ पर, तो आपने इन 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो आपने सेटिंग पर क्लिक कर देना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर जाना है अकाउंट पे। यहाँ पर आपको अकाउंट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो आपने अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो अकाउंट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको 2-स्टेप वेरिफिकेशन मिलती है। अब मैं थोड़ा सा आपके सामने थोड़ा डिस्कस कर दूं कि YouTube ने और WhatsApp ने जितनी भी ऐसी बड़ी एप्लीकेशंस हैं उन्होंने 2-स्टेप वेरिफिकेशन रखी हुई है। क्यों रखते हैं? ताकि उनका अकाउंट जो है वो सिक्योर हो सके, उसको कोई हैक ना कर सके। तो आपने 2-स्टेप वेरिफिकेशन करनी है अपने अकाउंट की, तो सबसे पहले आपने इस पर क्लिक कर देना है 2-स्टेप वेरिफिकेशन पर। तो उसके बाद आपको यहाँ पर इनेबल का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आपने इनेबल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने एक पासवर्ड सेट करना है यहाँ पर। ये आपसे पासवर्ड जब भी आप WhatsApp खोलेंगे तो पासवर्ड आपसे नहीं मांगेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर अपना कोई भी पासवर्ड, मैं जनरल लगा देता हूँ, तो कोई भी एक लगा देता हूँ, 123 मैंने लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आपने कन्फर्म करना है वही पासवर्ड, ठीक है, जो आपने पहले लगाया है 123 और 123, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको यहाँ पर ईमेल का ऑप्शन मिल जाता है। आपने ईमेल लगा देनी है, कोई भी लगा दें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपनी ईमेल लगा देता हूँ, बेसिकली यहाँ पर मैं ये ब्लर कर दूँगा ताकि मेरी ईमेल सिक्योर हो सके, ठीक है। मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, तो नेक्स्ट पर आपने क्लिक करना है। दोबारा वही ईमेल लगानी है जो वहाँ पर आपने लगाई थी, तो मैं यहाँ पर दोबारा वही ईमेल लगा देता हूँ। ये आपसे कंफर्म करता है कि वाकई आपने सही लगाई है नहीं, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ये ब्लर होगी, आपको शायद ना दिखने में आए। तो आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर अपनी ईमेल लगानी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आएगा अप्लाइंग, तो यहाँ पर आपको बोलेगा डन। तो आपने क्या करना है, डन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 3-4 ऑप्शन मिलते हैं, ये देखें। ज़रूरी नहीं है कि अब आपने लगा ली है तो ये हटेगी नहीं, या तो आप डिसेबल कर देंगे तो सिंपली ये हट जाएगी। यहाँ से अगर आप इसको डिसेबल करेंगे तो ये हट जाएगी। उसके बाद अगर आपने अपना पासवर्ड जो हमने 123 123 लगाया था वो चेंज करना हो तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चेंज पिन का ऑप्शन है। उसके बाद अगर आप ईमेल चेंज करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर जाना है और ईमेल चेंज हो जाएगी। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल को, अपना भरपूर प्यार दीजिए। तो तब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।